अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ समोसे। इसकी रेसिपी बहुत इजी है। इसके लिए आधा किलो मैंने मैदा लिया है, एक चम्मच मैं ले रही हूँ नमक, एक टीस्पून मैं ले रही हूँ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है। इन सब चीज़ों को अभी हम मिक्स कर लेंगे। इसमें भी मैं पानी डालूंगी 1 गिलास। इसको ज़्यादा हमने सख्त नहीं गूंदना और ना ज़्यादा नरम गूंदना है। इसको अच्छी तरह 5 मिनट गूंद लें। मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है, आप देख लेना आपका कितना पानी यूज़ होगा। 5 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह गूंदा है। ये देखें, आटा चिपकना नहीं चाहिए, ये देखें, नहीं तो समोसे सही नहीं बनेंगे। दरमियानी डो होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। वो हमारी गुन गई है, अभी हम इसे 30 मिनट कवर करके रख देंगे। 3 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे और उनको बॉईल कर लिया था, और अभी उनको मैं मैश कर रही हूँ। ये देखें, हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे इसमें, 1 चम्मच हम लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच सूखा धनिया, आप साबुत ले लें, मेरे पास साबुत नहीं था तो मैंने पिसा हुआ डाला है, 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें मैं। अभी इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको बारीक बारीक काट लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 3 से 4 हरी मिर्चें ले लें। सारी हरी मिर्चें हमने काट ली हैं और 1 गट्टी मैंने धनिया की लिया और उसको काट लिया। ये देखें, अभी इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमने मिक्स कर लिया और समोसों का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। 30 मिनट मैंने इसे कवर करके रखा था, ये देखें। अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे ऐसे। इतने इतने पेड़े लेने हैं आप, इतने इतने हम इस सारे मैदे के पेड़े बना लेंगे। सबके मैंने पेड़े बना लिए, अभी एक लेंगे। ऊपर सारा मैंने मैदा डस्ट करके फैलाया है, ये देखें। अब इसको बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलना, नॉर्मल बेलेंगे हम इसे। देखें, ये देखिए, इतनी हमने रोटी बेलनी है। इसी तरह हम सारे पेड़े बेल लेंगे इस तरह। ये देखिए, हमने सारी रोटियों को बेल लिया है। अभी हम इसमें से 1 रोटी लेंगे, दरमियान से अच्छी तरह कट लगा लेंगे। ये देखें, 2 पीस हो जाएंगे इसके। अभी हम इसकी साइडों पे पानी लगाएंगे, बस साइडों पे पानी लगाना है, दरमियान में नहीं लगाना, वरना दरमियान से भी चिपक जाएगा ये। तीन उंगलियां ले लेंगे हम, ये देखें, ये ऐसे इधर तक आना चाहिए और ये ऐसे, और ऊपर से इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखें, अभी हम इसको कोन बना लेंगे। कोन हमारी रेडी हो गया, ये देखें। अभी हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये अंगूठे की तरफ आनी चाहिए ये वाली साइड, और इसके अंदर 1 चम्मच हम मिक्सचर डालेंगे। देखिए, इस तरह हमने कोन बना लिया, अंगूठे की तरफ ये वाली साइड आनी चाहिए। 1 चम्मच हम आलू का मिक्सचर का डालेंगे। अब ये देखें, इसको सिर्फ नीचे रख के ये देखें, समोसा हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह अब हम अपने सारे समोसे तैयार कर लेंगे। इसी तरह देखें, हमने सारे समोसे बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। ये देखें, मैंने इसमें मैदा डाला था थोड़ा सा, तो ये ऊपर आ गया। इस तरह पहले आप भी चेक कर लें। अभी हम इसमें समोसे डालेंगे। समोसों को लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम में पकाएंगे तो अच्छे से नहीं पकेंगे। फ्लेम को आप मीडियम से लो रखिएगा। ये देखिए, अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड को आप चेंज करते रहिएगा। ये देखिए, समोसे हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब इसको बस 2 मिनट तक हम और बनाएंगे, जब ये फुल ब्राउन हो जाए।
ये देखें समोसे हमारे ब्राउन हो गए हैं, अभी हम इसको निकालेंगे। ये देखें समोसे हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।